माय नेम इज़ अभिषेक यादव। आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक समथिंग अबाउट डिमोनेटाइजेशन। आखिर डिमोनेटाइजेशन क्या है, इसके बारे में मैंने बहुत से लोगों से पूछा। मुझे बहुत से मिले जुले जवाब मिले, पर मुझे कभी किसी के पास डेटा नहीं मिला। ना तो डेटा उन लोगों के पास था जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और ना ही डेटा उन लोगों के पास था जो इसका अपोज कर रहे हैं। आइए जानते हैं डिमोनेटाइजेशन आखिर है क्या। डिमोनेटाइजेशन में यदि हम देखते हैं तो 500 और 1000 के नोट बैन हुए हैं। आखिर ये 500 और 1000 के नोट जो बैन हुए हैं, इनकी गणनाएं कितनी है। जब हम गणना के हिसाब से जाते हैं तो 500 के जो नोट हैं मार्च 2016 के हिसाब से 1571 है, 1571 करोड़, 1571 करोड़ 500 के नोट्स हैं, 633,000 के नोट हैं। जब हम इनको जोड़ देते हैं तो 500 एंड 1000 टुगेदर विल बिकम 2203 करोड़। अब यदि हम इनको बैन करेंगे तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि इनको हमको वापस भी करना पड़ेगा। अब जब वापस करना पड़ेगा तो इसके लिए सवाल उठते हैं कि इसके लिए प्लानिंग क्या है। अब प्लानिंग का जब सवाल उठता है तो मेरे नज़र में हमेशा दो चीज़ें होती हैं, पहला प्रिंटिंग, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब आप प्रिंटिंग करवाएंगे, अब जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे तो उसके लिए प्लानिंग क्या है। तो प्रिंटिंग के लिए क्या है, सब जानते हैं। प्रिंटिंग के लिए क्या है, प्रिंटिंग प्रेसेस हैं। तो गवर्नमेंट के पास प्रिंटिंग प्रेसेस कितने हैं, कभी इसके बारे में जब मैंने पूछा तो इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। तो जितनी मैंने जानकारी जुटाई है उसके हिसाब से प्रिंटिंग प्रेस मेरी नॉलेज में सिर्फ चार है। और ये जो चार प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, यदि हम इनके बारे में देखना चाहेंगे तो इनके बारे में हमको क्या पता करना पड़ेगा, इनकी कैपेसिटी क्या है। इनकी कैपेसिटी है 2600 करोड़ पर ईयर। जब हम इस हिसाब से देखेंगे तो सरकार ने बोला था कि ये अचानक लिया गया फैसला नहीं है, इस फैसले को लेने में कम से कम 10 महीने लगे हैं, 10 महीने से ये हम सोच रहे हैं। तो जब इस चीज़ के बारे में यदि हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि यदि हमको 500 के नए नोट निकालने हैं तो हमको कितने निकालने पड़ेंगे, सेम राइट अप्रॉक्सीमेटली 1500। और यदि हमको 1000 के नोट बैन करने के बाद यदि हमको 2000 के निकालने होंगे तो हमको कितने नोट निकालने पड़ेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 300 करेक्ट। तो जब हम इसकी गणना करते हैं, जब हम इसको हम देखते हैं कि कितना टाइम इसमें लगना था, तो यदि हम इसको टोटल हम देखेंगे प्रिंटिंग प्रेसेस की क्षमता के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, तो ये काम 7 महीने में वेरी वेल हो सकता था। अब बात आती सिक्योरिटी की कि किसी को बताना नहीं था। तो सिक्योरिटी की बात यदि हम करते हैं, जो अभी भी कितने नोट छप रहे हैं इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो सिक्योरिटी वाला एक जो चीज़ थी वो मुझे नहीं लगता, मेरी मेरी समझ के हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है, वो हम बहुत अच्छे से कर सकते थे। अब बात आती है कि इसका प्रिंटिंग हो गया, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास क्या है, बैंक है और एटीएम है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बैंक और एटीएम है तो एटीएम की संख्या क्या है, तो एटीएम की संख्या यदि हम देखेंगे तो 2,20,000 हमारे देश में एटीएम है। अब एटीएम में कैसा है, एटीएम का स्ट्रक्चर जो है वो उसमें खांचे होते हैं, उसमें कैसेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू 100, 500, 1000 नोट्स। जब 500 और 1000 के नए नोट आए तो ये इनके जो साइज़ है वो डिफरेंट है। जब साइज़ डिफरेंट है तो क्या करना पड़ेगा, सारे एटीएम को चेंज करना पड़ेगा। अब सब सारे एटीएम को चेंज करना पड़ेगा तो कितने कितने चेंजेस करने पड़ेंगे, 500 के नए नोट के हिसाब से और 2000 के नए नोट के हिसाब से, तो कितने एटीएम चेंज हो जाएंगे, कितने खांचे चेंज करने पड़ेंगे आपको, आप हिसाब लगाइए। जब आप हिसाब लगाएंगे तो करीब 4 लाख, आप समझ रहे हैं, इतना आपको अप्रॉक्सीमेटली आपको चेंज करना पड़ेगा। जब इतना आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा आपको, तो आप सोचिए कि यदि हम इसके प्रिंटिंग की साइज़ जो नए नोटों की सेम रखते तो कम से कम ये हमको नहीं करना पड़ता। अब प्लानिंग के हिसाब से यदि देखा जाए, अभी जो प्रॉब्लम हो रही है इसके लिए प्लानिंग क्या है, तो अब आप खुद डिसाइड करिए कि डिमोनेटाइजेशन एक अच्छी चीज़ है लेकिन इसकी प्लानिंग सही है कि प्लानिंग गलत है।
धन्यवाद।